नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा चुनाव जब हुए उस वक्त बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे दिग्गज नेता रहे, कुछ ऐसे कैंडिडेट रहे, या फिर कह लूं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों से बीजेपी को हमेशा दिक्कत रही। और अगर खासकर अलग से एंगल देखा जाए तो बीजेपी को मुसलमानों से भी बहुत तकलीफ रही। और अभी आपको पता होगा कि अप्रैल में विधान परिषद के चुनाव हैं और उन चुनावों में समाजवादी पार्टी की ओर से देवरिया में एक प्रत्याशी को उतारा गया है और उस प्रत्याशी का नाम सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी, जिससे बीजेपी के नेता और योगी आदित्यनाथ को बहुत तकलीफ है। और उसका नाम है कफिल खान। कफिल खान का नाम आपने सुना होगा, एक वक्त था कफिल खान का नाम सुर्खियों में था। और क्यों था, किस लिए था और कैसे बीजेपी ने कफिल खान से दुश्मनी निकाली थी, किस तरीके से उन्होंने कफिल खान को टारगेट किया था, लेकिन अभी हम आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि बीजेपी इस वक्त भी कफिल खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। एक वीडियो कफिल खान ने खुद, डॉक्टर कफिल खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपलोड किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया है, और एक बार आप कफिल खान के इस ट्वीट पर नजर डालिए, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो कैसे चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है। और उनकी कार की चेकिंग की गई, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे और इस वीडियो में आप ये भी देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिसकर्मी अपने आका के कहने पर कफिल खान की गाड़ी की चेकिंग करते हैं। उनको यह खबर मिलती है कि कफिल खान की गाड़ी में करोड़ों पैसे हैं, गाड़ी पैसों से भरी हुई है, जिसकी बुनियाद पे वो चेकिंग करते हैं। और हाथ में इन पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन भी देख सकते हैं। किस तरीके से ये सारे पुलिस वाले वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं कि अब निकलेगा तो अब रिकॉर्डिंग होगी और अपने सरदार को खुश किया जाएगा कि एक बार फिर से हमने कफिल खान को जेल में डाल दिया। ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीजेपी के ऊपर और बीजेपी की पुलिस के अरमानों पर पानी फिर गया। बीजेपी ने अपने जिन पुलिस वालों को भेजा था उनके अरमानों पर कैसे पानी फिरा, वो हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ खाने का सामान मिलता है जो कि वो बांटने के लिए जा रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पैसे तो मिले हैं, पैसे कफिल खान की गाड़ी में मिले हैं। और अब आप पूछेंगे कि कितने पैसे मिले हैं, कितने अरबों मिले हैं, क्या पुलिस के हाथ लगा है। तो मैं आपको बता दूं, जब पुलिस ने चेकिंग की और अच्छे से चेकिंग की, सीट के नीचे ऊपर हर जगह चेकिंग की, उन्हें मात्र 200 रुपए मिले। और ये बात खुद डॉक्टर कफिल खान ने ट्वीट कर बताया है उन्होंने, आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। दोस्तों, ये है बीजेपी का टारगेट करना, डॉक्टर कफिल खान मुसलमान, और मुसलमान को टारगेट कैसे करना है ये बीजेपी बाखूबी जानती है, लेकिन इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा ये कफिल खान, ये वही कफिल खान है जिन्हें 2017 में, आपको ध्यान होगा वो खबर सुर्खियों में छाई हुई थी, 2017 में किस तरीके से गोरखपुर में एक अस्पताल था, बीआरडी अस्पताल, उस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कितने बच्चों की मौत हुई थी, और उसका पूरा इल्जाम कफिल खान के ऊपर डाल दिया गया था, जिसे लेकर उन्हें पुलिस ने दबोच कर जेल में पटक दिया था। इस खबर पर आप नजर डालेंगे, और हालांकि ये खबर आपने देखी होगी किस तरीके से 2017 में बीजेपी ने अपना ये गंदा खेल खेला था। कोई अधिकारी, किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी से कोई पूछताछ नहीं, किसी का कोई बयान नहीं, डायरेक्ट कफिल खान को उठा के जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद ही मैं आपको बता दूं, एक वीडियो पे नजर और डालिए किस तरीके से उस वक्त जब कफिल खान जेल से बाहर आए तो उन्होंने किस तरीके से अपना दर्द बयां किया, किस तरीके से उन्होंने बताया
कि शुक्र है मेरा एनकाउंटर नहीं कर दिया गया। एक नजर इस वीडियो पर। ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। ये एक बहुत बड़ा, मैं उनका धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से कफिल खान को टॉर्चर किया गया, किस तरीके से पुलिस ने उनको टॉर्चर किया बीजेपी के कहने पर। और जब ये जेल में थे उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट भी किया कि भाई इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें जेल से बाहर निकालो। लेकिन ये सरकार को समझ नहीं आ रहा था, सरकार को उस वक्त सिर्फ उस डॉक्टर के अंदर एक मुसलमान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, आपको भी पता है किस तरीके से बीजेपी हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है, और न जाने इतने ऐसे कितने कफिल खान हैं जिन्हें बीजेपी टारगेट कर चुकी है और टारगेट करने के बारे में सोच रही है। फिलहाल इस वीडियो को आपने देखा ही किस तरीके से चेकिंग करते वक्त बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इस पूरे मामले को देखकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि कफिल खान के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वो सही थी, और अब फिर से अपनी हार के डर से और ये देखते हुए कि कफिल खान किस तरीके से अपनी अच्छी इमेज को लेकर आस पड़ोस में उनका माहौल है उसको लेकर बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए अब वो उनपे फिर से शिकंजा कसने के बारे में सोच रही है, इस बात का फायदा उठाते हुए कि वो एक मुसलमान है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आवाज दर्शाती है कि हमारी ऑडियंस जो है, जो हम बोल रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड ही उनकी राय है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दिकंटा। धन्यवाद।